ବିଷ ବଳୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ଫର୍ମୁଲା। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଦିନ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 4 ତାରିଖ ଥିବାରୁ 2, 4, 6 ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜୋରିମାନାର ପରିମାଣ 2,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ୟୁପିଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହିଳା କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏହି ଅଡ୍ ଇଭିନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଲାଗୁ ହେବ। 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମାନିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସାଥୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଡ୍ ଇଭେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ନେଇ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତର, ତେଣୁ ଏହାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। प्रदूषण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लोगों की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हमारे बच्चों की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसलिए दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोगों के साथ मिलके जो भी कदम हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में हैं, वो सारे कदम हम लोग उठा रहे हैं। और आज से दिल्ली में व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए, देखिए जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है, पराली का, फसलों के जलने का पोल्यूशन, उस पोल्यूशन को कम करने की तो हमारे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे निपटने के लिए हम मास्क बंटवा रहे हैं स्कूल के बच्चों के ज़रिए, लेकिन अपना दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसे कोशिश करके और कम कर सकते हैं। तो व्हीकल्स के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में जैसे डेली 30 लाख कारें सड़क पर उतरती हैं, तो आज 15 लाख कारें सड़क पे नहीं उतरेंगी, तो 15 लाख कारों का जो धुआं होता था वो कम हो जाएगा। मेरा गाड़ी का नंबर ऑड है तो इसलिए आज इवन डेट पर मैं साइकिल से जा रहा हूँ, ऑड डेट्स पर मैं गाड़ी से जाऊँगा। ऑफिस तक जाएंगे आप? ऑफिस तक मैं साइकिल। अरे सर, ऑड इवन से लागू हो गया, क्या लगता है कि कितना फ़ायदा पहुँचेगा दिल्ली? ऑड इवन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जब क्राइसिस हो तो थोड़ा सा इन हाउस मैनेजमेंट करके हम थोड़ा सा इस क्राइसिस को अपने ऊपर असर कम कर सकते हैं। पराली एक इस वक्त दिल्ली में बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है, पूरे नॉर्थ इंडिया में क्राइसिस बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने लोगों के लिए जो करे वो उनके ऊपर है, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार जो करे वो है, दिल्ली के लोगों ने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है और आज ऑड इवन करके इसको सफल बना के दिल्ली के लोगों ने बता दिया है कि पॉल्यूशन को लेकर उनका कमिटमेंट है और वो सीरियस।